हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप सभी का 23 को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है और आपको ये लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा। बहुत सारे लोग आपसे बोलते होंगे कि कंपार्टमेंट का पेपर तो बहुत टफ आता है, लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। लास्ट 4-5 ईयर से तो मैं बिल्कुल ही क्लोजली देख रहा हूँ कि कंपार्टमेंट के पेपर में और बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग को मैं एक सजेशन दूंगा, आपके पास जितना भी टाइम बाकी है आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर करिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं आप मुझे बताइए, क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहता है। बिल्कुल भी इस बात को मत सोचिएगा कि पेपर बिल्कुल चेंज हो जाता है, कंपार्टमेंट में टफ देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं एकदम झूठ हैं और आप लोग खुद रियलाइज करोगे जब आप एग्जाम दे रहे होगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बोल सकता हूं कि एग्जामिनेशन का पेपर जो भी है, कंपार्टमेंट का एग्जाम, सेम पेपर आपका, सेम का मतलब ऑलमोस्ट वही टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। आपके लिए दो चीजें आपको स्पेशली करनी है, CBSE ने जो सैंपल पेपर दिया है और आपका जो एग्जाम हुआ था। अब आपको जैसे कई सेट होते हैं उसके, तो आप सारे सेट वहां से डाउनलोड कर लीजिए CBSE की ऑफिशियल साइट से। और अच्छी बात है कि 2022 का जो पेपर है वो अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिए। 9 पेपर आपको मिलेंगे, 9 के 9 पेपर आप लोग सॉल्व करिए, उसके अलावा सैंपल पेपर करिए। इतना करने पे आपको पेपर जैसा ही मिल जाएगा। ये जो आप जितना भी आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ये सबसे जो बात मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में पेपर करके जाइएगा।